अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को जिस फ्रेग्रेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है फ्रॉम द हाउस ऑफ कैरोलिना हरेरा, और ये है वो फ्रेग्रेंस चिक फॉर मेन फ्रॉम द हाउस ऑफ कैरोलिना हरेरा। और इसको बताने से पहले मैं आपको कहता चलूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो के बारे में आप लोगों को पता चल सके। ओके, तो अब इस फ्रेग्रेंस की बात करें तो ये कैरोलिना हरेरा की फ्रेग्रेंस है चिक फॉर मेन। काफ़ी पुरानी फ्रेग्रेंस है, ये रिलीज़ हुई थी अराउंड 2003 में इसकी रिलीज़ हुई थी। और फॉर्चुनेटली मैं गया हुआ था शॉप पे एक पे, तो वहाँ पे मुझे ये पसंद आ गई और मैंने इसको परचेज़ कर लिया। मुझे अच्छी लगी फ्रेग्रेंस इसकी, मैंने इसको परचेज़ कर लिया और जब मैंने इसको यूज़ किया तो आई फाउंड इट रियली गुड, तो मैंने सोचा कि इसके रिव्यूज़ को आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आइए चलें, सबसे पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूं। ये इसका बॉक्स है, इसको मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूं। ओके, ये इधर से ये इसका बॉक्स है। पहले मैं आपको बता दूँ, ये फ्रंट पे इसके लिखा हुआ चिक फॉर मैन बाई कैरोलिना हरेरा। ये 100 ml की ऑडी टॉयलेट कंसनट्रेशन में है, 3.4 plus ounce, और बैग पे इसके जो है वो ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे हुए हैं। और ये राइट पे एक वाइट पैच बना हुआ है, ब्लैक ब्लैक, और बॉटम पे इसका ये बैच कोड लिखा हुआ है। ये आप लोगों को अगर नज़र आ सके तो ये बोल्ड हुआ है, ये कल बन गया। तो बड़ी अच्छी खूबसूरत सी इसकी पैकिंग है, ओपन करते हैं इसको। ओपन अप लाइक दिस, ये इसकी बॉटल है चिक फॉर मैन कैरोलिना हरेरा। बड़ी खूबसूरत सी, डिसेंट सी, एलिगेंट सी बॉटल है और अंदर इसके और कुछ भी नहीं है बॉक्स के अंदर। बहुत वो मुझे तो इसकी बॉटल बहुत पसंद आई है, बड़ी अच्छी सी डिसेंट सी इसकी बॉटल है और फ्रेग्रेंस भी उतनी ही अच्छी और डिसेंट है। ऑटोमाइज़र इसका बड़ा अच्छा स्प्रेयर है, इसका प्लास्टिक का कैप है लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है। यार खुशबू तो इसकी बहुत अच्छी है। ओके, अगर मैं इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में बात करूं तो कैरोलिना हरेरा चिक फॉर मैन ये बड़ी एक एनर्जेटिक सी और मैस्कुलिन सी फ्रेग्रेंस है। मुझे जो लगा है ये बहुत ही एनर्जेटिक और मैस्कुलिन सी फ्रेग्रेंस है और इसके जो नोट्स हैं वो बड़े मैस्कुलिन से वुडी नोट्स हैं और स्पाइसी सी फ्रेशनेस के साथ हैं। अगर इसके मैं टॉप नोट्स की बात करूं तो बड़े इसके टॉप नोट्स में जो है ना बड़ी फ्रेशनेस है वाटर की, जूसेस की, विच कम्स विद द ब्लेंड ऑफ सिट्रसनेस। और इसके टॉप नोट्स में आ जाते हैं आपके पास बर्गामॉट आ जाता है इसके टॉप नोट्स में। उसके अलावा आपको जो फील होता है इसके टॉप नोट्स में वो लेमन है, इटालियन मैंड्रिन है और फ्रेश मेलन की जो फ्रेग्रेंस है ना वो आपको फील होती है इसके टॉप नोट्स में। वो जैसे जैसे ये ड्राई डाउन होता जाता है उसके बाद ये ब्लेंड होता है बीच में, बड़ा वार्म और जेंटल सा स्पाइसीनेस इसके अंदर आता है। वो किसके साथ आता है आपको फील होता है, वो उसमें सिनेमन आ रहा है आपके पास और ब्लैक पेपर आ रहा है। बेस नोट्स में इसके पास, इसके अंदर आपके पास क्या आता है, इसके बेस नोट्स में आपके पास आ जाती है बड़ी प्यारी सी फ्रेग्रेंस सैंडलवुड की, बहुत ही प्यारी सी फ्रेग्रेंस मस्क की, और साथ में आपको टच मिलता है टोंका बीन्स का। ये सारी इसकी नोट्स के ब्लेंड हैं और एक अच्छी प्राइस रेंज में एक बहुत अच्छी सी चीज़ है। फॉर्चुनेटली मुझे एक जगह पे मिल गई, मुझे उसने दिखाई, मुझे पसंद आई, मैं ले आया। ओरिजिनल बॉटल है, ओरिजिनल फ्रेग्रेंस है, बहुत मज़े की है। इसकी परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं आपके बात करूं तो परफॉर्मेंस इसकी साइलेज वगैरह जो है वो इसकी मॉडरेट है और लॉन्ग लास्टिंग है। ये वेरी लॉन्ग लास्टिंग इसको मैं नहीं कहूँगा लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग है। और पहले 1-2 घंटे तो जो है वो इसकी प्रोजेक्शन बहुत अच्छी है और कॉम्प्लीमेंट्स भी इसके ऊपर मिलते हैं, अच्छे हैं। मतलब इतने ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते आपको लेकिन ये है कि कॉम्प्लीमेंट्स इसके मिल जाते हैं आपको, अच्छे हैं।
प्राइस की अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 100 ml की EDT कंसनट्रेशन के साथ जो बॉटल है ये पाकिस्तानी है, आपको तकरीबन 6,500 रुपये की मिलेगी। और मेरे ख्याल में ये जो फ्रेगरेंस है ये एक वर्सटाइल फ्रेगरेंस है। इसके बारे में ये नहीं है कि ये आप लगा के ऑफिस नहीं जा सकते, या ये आप कैजुअल नहीं लगा सकते, या फॉर्मल या इनफॉर्मल नहीं लगा सकते। आप इसको हर तरह से यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपने ऑफिस जाना है, चाहे कॉलेज जाना है आपने, चाहे यूनिवर्सिटी जाना है आपने, चाहे कोई फॉर्मल मीटिंग है, इनफॉर्मल मीटिंग है, ये हर चीज़ के लिए ठीक है। वर्सेटाइल सी फ्रेगरेंस है बड़ी, और मेरे ख्याल में ये किसी भी एक ख़ास स्पेसिफिक सीज़न के लिए नहीं है। आप इसको किसी भी सीज़न में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप इसको समर्स में यूज़ करें, मज़ा आएगा आपको। फॉल में भी अच्छा यूज़ हो सकता है, अच्छी परफॉर्मेंस देगा फॉल में भी। तो ये था सारा इसके बारे में, कैरोलिना हेरेरा चिक फॉर मेन। फिर कहूँगा बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है और बड़ी कम प्राइस रेंज में है। 6,000 to 6,500 PKR में आपको ये बॉटल मिल जाएगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस, होप यू एंजॉयड। हाफिज़।